समथिंग उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि उनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब डिलीवरी होने वाली है। तो सुबह उनको, अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या फिर आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका 9 मंथ चल रहा है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और आई होप कि आपको बहुत कुछ सिखा के भी जाने वाला है। हालांकि 9 मंथ से रिलेटेड मैंने बहुत सारे टॉपिक्स अपने वीडियोस में पहले ही कवर किए हैं, डिलीवरी सिम्टम्स या डिलीवरी से लेके लेबर पेन से रिलेटेड और वाटर ब्रेक से रिलेटेड कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें आपको तुरंत अपने गायनिक से मिलना है, ऐसे बहुत सारे विषय को मैंने अपने वीडियोस में पहले ही बताया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और इसके साथ में आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। आपको 9 मंथ से रिलेटेड शायद ही ऐसा कोई टॉपिक हो जो छूटा हो, बाकी सारा कुछ मैंने अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया है, आप एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो आज का वीडियो जो है वो हमारा किसी एक प्रॉपर टॉपिक पर बेस्ड नहीं है, आज का जो वीडियो है वो प्रॉपर एक इंसिडेंट है जो रियल में मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ जो अभी वर्तमान में चल रहा है, मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो उनको मैं अपना रिलेटिव बोलूँ या फिर ऑडियंस बोल दूँ, या क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है वो एज अ रिलेटिव ही है। सुबह 8 o'clock के समथिंग उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, यानी कि उनका 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, तो जाहिर सी बात है अब डिलीवरी होने वाली है। तो सुबह उनको बहुत ज़्यादा पेन्स स्टार्ट हुए, जो उनकी मदर थी, जो यानी कि हस्बैंड की मदर थी, उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया कि अभी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है। तो वो अपनी मदर और वाइफ को लेकर हॉस्पिटल में अभी मतलब कि पहुँचे हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किया तो मेरी उनसे बात हुई। उन्होंने बताया कि वाइफ को पेन आ रहे हैं, बट जो नर्स है उसने जो वेजाइनल टेस्ट किया है उसने बताया कि अभी जो सर्विक्स है उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं ओपन हुआ है और अभी आपकी डिलीवरी नहीं हो सकती है, उसने शाम तक का टाइम दिया है। तो इसके बाद जो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि क्या आपकी वाइफ का वाटर ब्रेक हो गया है, तो उन्होंने बताया कि इस बारे में मुझे खास जानकारी नहीं है, मुझे नहीं मालूम, आप मेरी वाइफ से ऐसा करिए बात कर लीजिए। तो मेरी उनकी वाइफ से बात हुई तो मैंने उनसे भी यही पूछा, आपका वाटर ब्रेक अभी हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मुझे उनकी बातों से ऐसा क्लियरिफाई हुआ कि शायद उन्हें यही नहीं मालूम कि वाटर ब्रेक होता क्या है। तो मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत अच्छे से आपको बताया है, शायद उन्होंने वो वीडियोस मेरे मिस किए होंगे या फिर नहीं देखे होंगे या फिर जो भी इशू हो, आई डोंट नो। तो मैंने उनको बताया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने फिर वापस से उनके हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी पेन्स आ रहे हैं लेकिन डिलीवरी की कोई भी ऐसा जो सिम्टम हो वो नहीं दिख रहा है। तो उनका वाटर ब्रेक भी नहीं हुआ था, उनको लेबर पेन्स भी अभी स्टार्ट नहीं हुए थे, क्योंकि जैसी उनकी वाइफ की कंडीशन थी बात करने से पता चल रहा था कि उतने ज़्यादा पेन्स अभी नहीं आ रहे हैं जितना कि बेबी को डिलीवर करने के लिए चाहिए, क्योंकि जो डिलीवरी वाले पेन्स होते हैं वो इतने हैवी होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि उस टाइम पर जो व्यक्ति हमारे पास में भी खड़ा हो उससे भी बात करने का जी नहीं चाहता, तो फिर फ़ोन कॉल पर कोई बात करेगा ही नहीं। तो फाइनली मैंने इसी से क्लियर कर लिया कि अभी उनको उतने ज़्यादा पेंस नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी ड्यू डेट भी निकल गई है, 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो मैंने सोचा हो सकता है शायद उनकी शाम तक डिलीवरी हो जाए या शाम तक जो सर्विक्स का मुँह है वो ओपन हो जाए। तो इसके बाद मैंने उनसे बोला जैसा हो मुझे आप वापस से कॉल करिएगा, मैंने उन्हें सजेस्ट किया आप अभी वहाँ पर रुकिए और इसके बाद आप कुछ टाइम बाद आप विजाइनल टेस्ट करवाएं, शायद सर्विक्स का मुंह खुलने लगे। देन इसके बाद मैंने उनको दोपहर में खुद से कॉल की, मैंने पूछा अब कैसी कंडीशन है, तो उन्होंने बताया कि वाइफ को बहुत ज़्यादा पेन आ रहे हैं, बहुत तकलीफ में है वो। तो क्योंकि आप शायद आप में से काफ़ी सारे लोग हों जो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लव करते हों, तो हल्का सा भी पेन वो हल्के से भी दर्द में अपने साथी को नहीं देख सकते हैं, तो शायद ऐसा कुछ हो, इमोशनली कांटेक्ट हो, तो उन्हें लगा बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है। मेरी फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी भी नर्स ने जो वेजाइनल टेस्ट किया है उसने बताया कि अभी जो सर्विक्स है वो नहीं खुल पा रही उतना,
मैंने उनसे कहा कि जो सर्विक्स है उसको 10 सेंटीमीटर खुलना ज़रूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, क्योंकि वो जो कपल थे वो नॉर्मल डिलीवरी ही चाहते थे, वो सिजेरियन करवाने के लिए तैयार नहीं थे। और हम आपको जो सारे सिम्टम्स बताते हैं, जितने सारे इंडिकेशंस बताते हैं, अगर इनको प्रॉपर फॉलो करने के बाद भी आपका सिजेरियन करवाना पड़े तो मेरा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं। तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने इस टाइम पर उन्हें सजेस्ट किया, मैंने प्रॉपर उनसे बोला कि आप ऐसे में जाइए और कोई जो नॉर्मल पेन किलर होती है वो लाइए, मेडिकल स्टोर से आप नॉर्मली पेन किलर लाइए, जो कि कभी कभी अगर आम इंसान के भी पेट में जो दर्द होता है वो उसमें काम करती है। आप ऐसी पेन किलर लेके आइए और उनको दीजिए आके, अगर वो पेन किलर लेने के बाद उनके दर्द थोड़े से भी कम हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको आराम है, तो आप ऐसा करिए उन्हें वापस से घर ले जाइए, और अभी आपकी डिलीवरी नहीं होने वाली है। मेरी इतनी उनसे बातचीत हुई। अब मैंने नाइट में उनको खुद से फ़ोन किया कि अब कैसी कंडीशन है, तो उन्होंने बताया कि अभी भी दर्द आ रहे हैं लेकिन डिलीवरी नहीं हुई है। तो मैंने उनसे पूछा कि नर्स ने आपसे बोला था कि इवनिंग तक डिलीवरी हो जाएगी, और विजाइनल टेस्ट किया उन्होंने, वो कैसा रिपोर्ट उन्होंने बताई, तो उन्होंने बताया कि अभी भी सर्विक्स का मुँह नहीं खुला है। अब उन्होंने बोला है कि या तो नाइट में या फिर मॉर्निंग तक डिलीवरी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने पेन किलर दी थी उससे क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि नहीं मैंने पेन किलर नहीं दी, क्योंकि जो मॉम है मेरी उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा है कि ऐसे में कोई भी जो दवा होती है नहीं दी जाती है। मैंने बहुत अच्छा किया आपने। तो इसके बाद मैंने उनसे बोला कि जैसी कंडीशन हो आप हमें दोबारा से बता सकते हैं। तो इसके बाद मेरी इतनी ही नाइट में उनसे बातचीत हुई। इसके बाद मैंने मॉर्निंग में खुद से फिर से कॉल की, उन्होंने एक बार में रिसीव नहीं किया। देन इसके बाद अभी वीडियो बनाने से जस्ट पहले उनका फ़ोन कॉल आया है, तो अब मेरी उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने बताया कि मैंने दूसरे हॉस्पिटल में, यानी कि अभी कानपुर लोकल में उन्होंने दिखाया है। तो इसके बाद उन्होंने कानपुर सिटी में किसी बड़े डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने बताया उनको कि आप वही जो सेम मैंने उनको नाइट में बताया था वही उन्होंने सुबह उनको बताया कि आप उनको एक दर्द कम करने की दवा दीजिए, अगर उससे दर्द कम हो जाते हैं तो आप उनको घर ले जाइए, क्योंकि जो डिलीवरी होती है उससे 1 सप्ताह से पहले दर्द आना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने वही प्रोसेस सुबह अभी फॉलो किया या नहीं, अभी उनको पेन किलर दिया या नहीं, मेरी अभी बातचीत नहीं हुई है, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ प्रॉपर। तो उसके बाद वही चीज़ उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट की, तो उनको लगा कि नहीं हाँ ये सही है। वही चीज़ मैंने उनको नाइट में बताया था, तो उन्होंने वो नहीं किया, पूरी नाइट उन्होंने हॉस्पिटल में गुजार दी, अपनी भी नींद ख़राब, खैर कोई नहीं। अब सुबह उन्होंने क्या किया, अभी सुबह तक फ़िलहाल उनकी डिलीवरी नहीं हुई है और सर्विक्स का मुँह भी बिल्कुल नहीं खुला है। तो हम आपको पहले भी आपको सजेस्ट कर चुके हैं, अपनी कई सारी वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको लगे कि आपका दर्द शुरू हो गया है तो ऐसे में आप पेन किलर लेके ज़रूर देखें, अगर वो दर्द कम हो जाए तो उनको फॉल्स लेवर पेन बोला जाता है। आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए होंगे। और अभी मेरी उनसे बातचीत नहीं हुई है वीडियो बनाने के जस्ट आफ्टर, मैं एक बार लास्ट टाइम मैं उनसे फिर से शायद मैं फ़ोन कॉल कर लूँ, मुझे अभी टाइम मिला तो, और इसके बाद क्या होता है देखते हैं फिर। और वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग समझें कि आपको कब हॉस्पिटल जाना है और कब नहीं जाना है। तो आप मेरे चैनल पर जो 9 मंथ से रिलेटेड या फिर डिलीवरी से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं आप एक बार उनको ज़रूर विज़िट करें। आई होप कि जानकारी पसंद आई होगी, आई होप कि आज का ये वीडियो आपको कुछ सिखा कर ज़रूर गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए विषय के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।